मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए कि जब मैं 17 महीने जेल में था तो आप सबने बड़ी दुआएं भेजी। भगवान भी दुखी हो गए होंगे कि यार ये कौन सी पार्टी वाले लोग हैं, ये कौन सा आदमी अंदर बंद कर दिया मोदी जी ने उठा के। इसके लिए सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सब दुआएं कर रहे हैं। कितनी सच्ची दुआएं आपने की, कितनी प्रार्थनाएं आपने की। सच में मैं तो जेल में था, देखता था बहुत तरह के लोग बनते वहां, गलत करने वाले भी थे और कुछ लोग गलत फंसा के भी बंद किए गए बहुत लोग वहां। कोई नहीं पूछता जी, अक्सर जेल में मैंने देखा जेल में कोई चला जाता है तो लोग उससे नाता तोड़ लेते हैं, लेकिन 17 महीने पूरे आम आदमी पार्टी के परिवार ने जो नाता मुझसे निभाया, मैं इसका 17 जन्म में भी कर्ज नहीं चुका सकता। आपने जो प्यार दिखाया, आपने जो सम्मान दिया, मैं दिल की गहराइयों से बोल रहा हूं। पता चलता है लोग कितना प्यार कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे। लोग अपने घर की परेशानी भूल के जब मंदिर में जाते थे, गुरुद्वारे में जाते थे, मस्जिद में जाते थे, तो एक बार को ये अरदास जरूर लगाते थे, भाई हमारा एक भाई बंद है उसको भी निकालो। ये इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी बहनों का, भाइयों का, और सभी बहनों भाइयों को मैं बधाई देना चाहता हूं इस चीज के लिए कि राजनीति के ऐसे दौर में जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल करके और सीबीआई का इस्तेमाल करके पार्टियां तोड़ रही है, कहीं किसी राज्य में एक विधायक दो विधायक के ऊपर भी केस करा देती है तो पूरी पार्टी गिर जाती है, एक दो मंत्री के ऊपर केस करा देती है तो पूरी सरकारें गिर जाती हैं। हमने देखा पिछले 7 साल में कम से कम 10 सरकारें इन्होंने इस तरह से गिराई चारों तरफ, 7-8 साल 9 साल में। यहां से उत्तराखंड से शुरू होकर अरुणाचल से लेकर महाराष्ट्र सारा हमने देखा, जहां गिरा नहीं पाए इन्होंने हायतौबा मचाई। हमने पार्टियों को टूटते देखा और सरकारों को गिरते देखा बीजेपी के इस गुंडा राज में, लेकिन आप सब लोगों की प्यार की बदौलत, ताकत की बदौलत, हमारे पार्षदों, हमारे विधायकों और सांसदों के एकजुटता की बदौलत, आप सबकी पार्टी ने मिसाल कायम की है कि जिस वक्त सबसे तानाशाह सरकार पार्टी तोड़ने में लगी हुई थी, पार्टी मुट्ठी की तरह एकजुट बनकर खड़ी हुई थी। ना पार्टी टूटने दी, ना सरकार गिरने दी, ना जेल में बैठा हुआ फक्र महसूस करता था इस बात पर कि क्या पार्टी है यार, क्या लोग हैं यार। मैं भगवान को शुक्रगुजार करता था, मेरी शिकायत तो थी, मैंने कहा स्कूल बनवा रहा हूं मेरे को जेल में क्यों भेजा, पर मैं शुक्रगुजार करता था कि चल जेल में भेजा तो ठीक है, लेकिन मेरी पार्टी इतनी शानदार है उसके लिए भगवान का धन्यवाद। इतने बढ़िया लोग थे पार्टी में कि लोग इकट्ठा होकर एक परिवार की तरह एकजुट होकर खड़े हुए संकट के इस समय में। आपने अरविंद जी के लिए भी बहुत प्रार्थनाएं की हैं और सच्चे दिल से दुआएं की हैं। आप देखिएगा कि बहुत जोश के साथ बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे बीच में होंगे। मैं जब बाहर आया तो बीजेपी वालों ने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया, मीडिया में बाइट देना शुरू किया, ये मनीष सिसोदिया जेल में जेल काट के आया 17 महीने की, मुस्कुराते हुए आया है। मैंने कहा भाई रोते हुए क्यों हूं, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं था, मैं तो सीना चौड़ा करके आया हूं। क्यों मेरे इनको बीजेपी वालों को लगता था कि 17 महीने इसको जेल में डाल दो, 6-8 महीने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दो तो इनका मनोबल तोड़ देंगे, इनको तोड़ देंगे, अंदर से टूट जाएंगे। इनको ये लग रहा था मैं रोता धोता आऊंगा, मैं तो चौड़ा धुआ मुस्कुराता हुआ दहाड़ता हुआ आया कि नहीं आया। पहले से ज्यादा एनर्जी कम है कि ज्यादा है, कम तो हुई नहीं हुई ना। राजेंद्र नगर चुनाव में जब आता था मैं तो इससे कम थी एनर्जी, अब ज्यादा है कि नहीं है। एनर्जी ज्यादा के साथ आया हूं, क्यों मैं टूटता क्यों, मैं घबराता क्यों। मेरे घबराने की एक ही वजह हो सकती, दो वजह हो सकती थी अंदर। एक तो ये हो सकती थी अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मैं घबराता, मैंने कुछ गलत किया नहीं और मैं घबराया नहीं, मैंने कुछ गलत किया नहीं और मैं अंदर से टूटा नहीं, मैं मजबूत होकर आया, पहली बात। और दूसरी बात,
मेरा परिवार टूटा नहीं तो मैं घबराया नहीं। दो ही चीजों में टूट सकता है आदमी, या तो उसने कुछ गलत किया हो तो घबराता है, यार अब मेरा क्या होगा, मुझे पता था मेरे को तो बेल मिलेगी और बेल मिलेगी जिस दिन, उस दिन इनकी छाती पे चढ़ के मुंह दलूंगा आगे में। दूसरा घबराने की वजह, डरने की वजह, टूटने की वजह यह हो सकती थी कि भाई मेरा कुनबा टूट जाए, मेरा कुनबा तो और मजबूत हुआ है, मेरे मुट्ठी की तरह से मजबूत हुआ है अरविंद केजरीवाल जी का कुनबा, तो मेरे पास तो घबराने की डरने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन अब घबराने की और डरने की बारी किसकी है? बीजेपी वालों की है। क्यों? क्योंकि मैं पिछले करीब 20 दिन से पदयात्राएं कर रहा हूं, मैंने आते ही पदयात्राएं शुरू कर दी थी। मुझको आप जैसा प्यार करने वाले कुछ साथियों ने कहा, मनीष भाई 17 महीने जेल में रह के आए हो, भाभी जी भी बीमार थी, दूर थे बेटे से, परिवार से, दो आए हो, अब दो चार दिन छुट्टी कर लो, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा दिमाग में। ना भाई, जितने भाई और बहनों ने तपस्या की है, मैंने अकेले ने थोड़ी की है, आम आदमी पार्टी के सारे लोगों ने तपस्या की है, सबके बीच जाऊंगा, बैठूंगा नहीं, छुट्टी नहीं करूंगा, मेरी छुट्टी आपके बीच में आना ही है। तो आप, मैं तो नहीं घबराया, आप नहीं घबराए, लेकिन घबरा रहे हैं बीजेपी वाले। ये मनीष सिसोदिया आ गया दिल्ली वाले, इस पे इतना प्यार लुटा रहे हैं, हफ्ते 10 दिन में केजरीवाल जी आ जाएंगे तो क्या हाल करेंगे दिल्ली वाले? बीजेपी वालों की नींद उड़ी हुई है इस चीज से। यकीन मानो, मैं पिछले 20 दिन से पदयात्राएं कर रहा हूं जगह जगह, रोजाना शाम को 2-3 घंटे ऐसे ही, जैसे आज आपके बीच चलूंगा ऐसे ही हर विधानसभा में चल रहा हूं, और यकीन मानो हर जगह लोग गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं जी इन्होंने गलत किया, ये बीजेपी वाले अंत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, शरीफ लोगों को पकड़ पकड़ के, विपक्ष को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, सब कह रहे हैं, बोले काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, हमारे काम रोकने के लिए केजरीवाल जी को जेल में डाला है, सारे लोग कह रहे हैं। तो इनको बीजेपी वालों को भी समझ में आ गया है कि अभी तो मनीष सिसोदिया ने निकल के पदयात्राएं शुरू की हैं, या आम आदमी पार्टी वाले पागल हो गए हैं, इतने जोश में पागल हो गए हैं, केजरीवाल जी आ जाएंगे तो पूरी दिल्ली सर पे उठा के घूमेगी केजरीवाल जी को, ये जश्न होगा। और इससे घबरा के बीजेपी वाले बयानबाजी कर रहे हैं, बेचारे क्या करें, इधर उधर कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है, अपने 20 दिन के अनुभव के आधार पे मैं कह रहा हूं, और पूरी दिल्ली में दुर्गेश भाई यही सब लोग प्लान बनाते हैं, कभी इस दिल्ली के इस कोने में भेजते हैं पद यात्रा के लिए, कभी उसमें भेजते हैं, कभी इसमें, पूरी दिल्ली घूम गया मैं हर जगह से, और मार्केट में तो सारी विधानसभाओं के लोग मिलते हैं, कोई एक ही विधानसभा के नहीं मिलते, सब जगह के मिलते हैं। लोग ये कह रहे हैं साहब, अगर इस महीने चुनाव हो जाए तो 70 की 70 सीटें आएंगी और 70% आएंगी वोट, अगर आज चुनाव हो जाए, और दिल्ली में आज चुनाव करा ले लोग, 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी को आएंगी, और पिछले बार तो 54-55% वोट आए थे, इस बार वोट भी 70% आएंगे। तो तैयारी करो, आपने बहुत मेहनत की, सभी भाइयों बहनों ने खूब आईटीओ पे जाके नारे लगाए, पुलिस की लाठियां भी खाई, धक्के भी खाए, सबने बहुत मेहनत की। मैं बाहर आया तो मैंने कहा अब आईटीओ नहीं बुलाएंगे, अब मैं आऊंगा कॉलोनियों में, अब मैं आपके बीच में आ गया, अगले 2-3 घंटे आपके साथ हूं, चलेंगे, बताना किससे कहां मिलना है, किससे आपको मिलवाना है, कौन मिलता है, जैसे चलते हैं अपने परिवार के बीच में, आपके बीच चलेंगे, सब प्यार से चलेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे, और साथ में मीडिया वाले साथियों से है कि नीचे उतरते ही माइक मत लगाना, आधा पन आप मेरे से पूछते हो ना जनता का रेस्पॉन्स कैसा है, आप मेरे से मत पूछो, खुद ही देख लेना, जनता ही बता देगी, तो आगे जाके कहीं मेरे से बात कर लेना, थोड़ा सा आगे जाके एकदम से